नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल दर्शन नॉलेज चैनल में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन बड़ी दुख हो रहा है। क्लीम मंत्र के बारे में इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी लोग अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। 1.25 लाख का अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं और मुझे फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन में एक कमेंट है, आप देख सकते हैं। वो भाई बहुत बार पूछे, वो हर जगह पर पूछते रहते हैं, यानी उनको तो दिक्कत हो गया है और उनको पता है कि यूट्यूब में अगर कमेंट बॉक्स पर कोई अच्छी तरह से रिप्लाई देता है तो वो आचार्य बापू हैं और बाकी तो कोई कमेंट देखते ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको याद ही होगा, मैंने कमेंट के बारे में पूरा सब कुछ समझाया था। आज मुझे दुख भी है और थोड़ा इस बात का मुझे गुस्सा भी है कि इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी आप क्यों अपनी सुंदरता ये सारे चीज़ को करने के लिए क्लीम मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान जाप करने की कोशिश कर रहे थे। इतने सारे वीडियो बनाया कि किस बात का ध्यान रखना है, क्लीम के जाप समय क्या करना क्या नहीं। अक्सर इन लोगों का गलती नहीं है, कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि क्लीम के बारे में 200 से 300 वीडियो बनाए हैं, हर जगह में उसका पॉजिटिविटी के बारे में बताया, कभी उसे क्या नुकसान होता यह नहीं बताया, तो इस भाई को कैसे पता चलेगा। देखिए, जो कोई भी हो आप, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं इधर आपकी सॉल्यूशन देने के लिए आया हूं और साथ में पूरी समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। इंसान जब जन्म होता है उसका रंग जैसा होता है, रूप जैसा होता है, उसी में भगवान कोई विशेष गुण देके उसको भेजते हैं। क्या आप इतना बात को सोच सकते हैं कि अगर कृष्ण कन्हैया क्रीम कृष्णायन आप जाप करते हो तो कन्हैया का रंग कैसा है? तो आप इस बात को सोच सकते हो कि क्या है क्या नहीं। क्या कोई ये कहता है कि जगन्नाथ महाप्रभु को क्या आप काले हो? ठीक है, अगर आप जाके शिवलिंग को पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं पे काला से, क्या आप सोचते हो कि शिवजी का शिवलिंग एक मतलब शिवलिंग क्यों काला है, शिवपिंड क्यों काला है? देखो, आप अपने आप को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, हैंडसम बनाने के लिए ये सारे चीज़ यूज़ करते हो और खुद भी करते हो, लेकिन आप क्यों नहीं अपने अंदर जो क्वालिटी है उसी को थोड़ा ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाते, ताकि आपकी जो निखार वो आगे आए। इंसान की सुंदरता उसकी जो होती है ना, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा उसकी अंदर से होती है। वो किस प्रकार से, अगर कोई इंसान के साथ आपको बात करके आपको अच्छा लगता है, वो इंसान आपको अच्छा महसूस करवा सकता है दो लाइन बात बोल के, तो इंसान के अंदर वही उसका सुंदरता है, ताकि नहीं कि आपकी वो चेहरा देख के। हाँ, कुछ दिखावे की दुनिया में कुछ यही चीज़ जरूरी है, इसलिए लोग इसके पीछे पड़े हैं कि कितना सुंदर देखे क्या करें। लेकिन भाई, तुम कितना भी सुंदर हो, कुछ भी करो, लेकिन हर इंसान के अंदर मैल होता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, ये जब संकल्प उठा ले तो मैं क्लीम का जाप करूँगा और मैं पूरी तरह से सुंदर बन जाऊँगा और पूरी तरह से मेरी जो है रंग गोरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भाई देखो, आकर्षण और सुंदरता तुम इस बात को समझ नहीं पाते हो। आकर्षण क्या होता है? पहली आकर्षण इंसान की वाणी में होता है। जिसकी वाणी में आकर्षण शक्ति नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, वो लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता। ये क्योंकि वाणी में देवी वाणी की होना जरूरी है, यानी वाणी माँ सरस्वती की होना जरूरी है। और आप क्लीम आकर्षण करना चाहते थे अपनी सुंदरता को, आपने क्या किया होगा, मैं आपको एक बात बता दूँ। इसलिए क्या प्रॉब्लम हुआ होगा कि आपकी बहुत सारे गलत विचार आपके मन में ये थे कि मैं ऐसा दिखने में हूँ, मैं तो ऐसा मेरा रंग है, मैं कभी गोरा नहीं हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं तो पूरा काला दिखने में हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है। तो वो सारे नकारात्मक चीज़ को आपने भर भर के रखा था। और क्लीम एक ऐसा मैग्नेट है, ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार की सोच रखते हो। यानी अगर आपकी सोच अच्छा है तो वो आपके ऊपर अच्छा काम करेगा, अगर आपकी सोच गलत है तो गलत काम करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है क्लीम मंत्र से दूसरे को आकर्षण करने के लिए ये सारे। भाई इसमें कुछ नहीं होता है। पहली बात है, यूनिवर्सल अट्रैक्शन मैग्नेटिक मंत्र है, सबसे भयंकर मंत्र है ये। इस मंत्र को अगर आप किसी भी मंत्र के साथ जुड़ते हो तो सोच समझ कर, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको संस्कृत के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, किसी भी मंत्र के पीछे लगा देते हैं, लेकिन उसका करने से क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा, इस चीज़ को जानना बेहद ही आवश्यकता है। इसीलिए मैं भाई, आपने तो गलती कर ही दिया है, पता नहीं हमारे चैनल में तो आपको कभी ये एडवाइस नहीं किया गया था कि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लो या फिर कुछ भी कर लो। अगर किया भी हुआ है तो पहले बहुत वार्निंग दिया गया होगा कि पहले अगर कम से कम 3 महीने मेडिटेशन करो। कुछ लोग आके ये बोलते हैं, भाई मेडिटेशन क्यों करे, तुम फालतू का बात करते हो। देखो, फालतू का बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, तुम्हें गलत कमेंट करने के लिए समय होता है, लेकिन हमारे लिए एक एक समय कीमती है,
क्योंकि हर एक घंटे में हम किसी का अनुष्ठान करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यही होता है एक आचार्य का काम, जो कि संज्ञा दिया गया है कुछ करने के लिए, ना ही बेकार का ये सारे चीज़ को देने के लिए। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ भाई, आपने तो गलती कर दिया आपकी ऐसा, अभी आपको जो है ना, जो आपने किया है, आपकी पहले उस चीज़ को लाने के लिए, अपनी वो चीज़ को बरकरार करने के लिए, आप किसी भी शिव मंदिर जाए और शिव मंदिर पे भोलेनाथ को ये कहें कि हे भोलेनाथ, मैंने बहुत बड़ा, क्योंकि सारे मंत्र यंत्र तंत्र सटकर मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्यषण किसी भी प्रकार की जो भी प्रकार है, कुछ भी है, हर चीज़ का मास्टर, हठ योग का मास्टर, हर तंत्र का गुरु, गुरुओं का गुरु, महागुरु, नाथों का नाथ, आदिनाथ, महादेव ही हैं। तुम कितने भी बड़ा कुछ कर्म करते हो, पाप करते हो, कुछ भी करते हो, गलती कर दिया, उसकी समाधान बस उन्हीं के पास है। ये मत समझना कि भाई तुम दोबारा कोई दूसरा मंत्र जाप करके अभी तुम क्लिम काम देवाय नमो करोगे, क्लिम और कुछ करोगे, कोई ये करोगे, ऐसा करके तुम सही हो जाओगे, ऐसा नहीं भाई। तुमने पाप किया है, पाप मतलब ये कोई पाप नहीं है, लेकिन एक पाप ये है कि तुमने अपने अंतरात्मा को कभी देखा नहीं कि तुम किस प्रकार से बनना चाहते हो। तुमने बस यही किया कि तुमको हैंडसम बनना है, ये बनना है, उसके चलते तुमने किया, लेकिन तुमने किया, लेकिन इस चीज़ को आपको करना नहीं है, इस चीज़ को कभी करना नहीं। क्ली मंत्र पहले एक निर्दिष्ट चीज़ को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपकी नाड़ी शोधन, प्राणायाम और बाकी सारे चीज़ होना चाहिए। आप दूसरे दूसरे का वीडियो देख के सुंदर बनने के लिए सारे चीज़ ना करो। अगर इतना ही करना होता उसमें कोई तत्व जोड़ देते क्लिम कालिकाय नमो या फिर क्लिम कृष्णा, क्लिम कालिकाय नमो के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने माता काली का कोई भी मंत्र, क्लिम हो या क्लिम हो, कालिकाय नमो मंत्र कुछ जाप नहीं किया। मैं हमेशा मंदिर में जाके उनके दर्शन करता हूँ और मंदिर में ही प्रणाम करके चले आता हूँ, कुछ भोग वगैरह देखे, तो इसलिए आपका ऊपर ये डिपेंड करता है पूरी तरह से आपने क्या किया है। अभी देखो, आपको शिव मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाने के बाद भोलेनाथ के सामने आप बैठिए, बैठने के बाद आप क्या करें, एक संकल्प ले कि हे भोलेनाथ, मैंने ये कुछ लोभवशत अपनी ये सारे चीज़ को मैंने गलती कर दिया है, इसीलिए मुझे इस प्रकार से दंड से मुक्ति करें और मैं 1,25,000 शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र अनुष्ठान करूंगा। और उसके बाद आप घर में आके किसी भी सोमवार से ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान करें, कोशिश करें इसको 41 दिन या आप 51 दिन में उसको संपन्न करने के लिए, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें आपको किसी भी प्रकार की जो लोग होते हैं मंदिर के बाहर में बैठते हैं उनको कुछ प्रकार की दक्षिणा भोजन देना जरूरी है। आप उनको कुछ बिस्किट वगैरह, कुछ जो है आप उनको फल वगैरह वो दान करें, क्योंकि पुण्य करें। कंजूस होने से कुछ नहीं होता है। लोगों के पास बड़े बड़े लोग बड़े बड़े एंटरप्राइजेस खोल के बैठे होंगे, लेकिन उनका हाथ से कोई एक दान दक्षिणा नहीं उठता होगा, तो क्या फ़ायदा। अगर तुम किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते तो इस धरती में जन्म लेना ही वृथा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास कुछ है नहीं तो हम दान कैसे करें। भाई तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है तो 1 रुपया तो दान कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना, वो 9 रुपया में मैनेज हो जाएगा। किस तरह से परमात्मा किसी को दान करते हो ना, 2 गुना तुम्हें रिटर्न होके आता है। इस बात की गहराई को समझो। कंजूस करने से कुछ नहीं होता है। सालों साल आप फ्री में काम कराते हो, कुंडली दिखाते हो, कुछ भी करते हो, कल भेजेंगे पैसा, आज भेजेंगे पैसा, फिर पैसा कभी नहीं आता। मैं तो यही कहूंगा, उस पैसे की देने की आवश्यकता नहीं है, किसी जरूरतमंद को दान कर दो। इसीलिए दान दक्षिणा पुण्य कर्म करो, तभी जाके तुम्हारे चेहरे में निखारता सुंदर आएगी। तुम्हारा अंतर आत्मा ही एक प्रकार की जो है कहा जाए कि कुंठित है, किसी को कुछ नहीं दे सकते, अरे वो तो ज्यादा हैंडसम है, मैं तो हैंडसम नहीं हूँ, वो तो ज़्यादा सुंदर है, मैं तो देखो भाई मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन इस बात में सच्चाई है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वी होती है। इस बात का ध्यान करना। मैंने हर वीडियो में ये कहा है, कभी भी खुद को आकर्षण करके ये सारी चीज़ ना करो, सुंदर बन जाना। वो कितना वीडियो बनाऊँ क्लीम के बारे में, कितना वीडियो बनाऊँ, इतना वीडियो बनाने के बाद भी आप गलती करते हो। मुझे नहीं लगता आपने किस प्रकार से संकल्प लिया था, यही आपकी जो सोल्यूशन है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 1,25,000 जाप करें, शिव मंदिर जाके भोलेनाथ को माफ़ी मांगे कि मैं जो गलत चिंता है, गलत अवधारणा करके ये कहा है, मेरी अंदर जो परमात्मा आप जो देना चाहते उस हिसाब से मुझे आगे लेके जाइए, मेरी मार्ग प्रशस्त करें और मेरे जीवन को मंगलमय बनाए और मेरे जीवन को कल्याण बनाए, कल्याणमय बनाए। ये सारे चीज़ आप करिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से हट जाएगा। लेकिन इस चीज़ को पूरा करने के बाद किसी भी जो ज़रूरतमंद इंसान को भोजन करना, दान करना जरूरी है। वो अगर नहीं करेंगे तो वही आप वही का वही रहेंगे, क्योंकि आपने जो किया है उस चीज़ को प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि आपने वो चीज़ मांगा है जो आपको परमात्मा देना नहीं चाहते थे, ठीक है। आप जो हो उसी से परमात्मा आपको खुश देखना चाहते थे, लेकिन आजकल के लोग में वो वाला नहीं है।
मैं थोड़ा ज़्यादा गोरा बन जाऊँ, मैं थोड़ा अभी लंबा होना चाहता हूँ, मैं थोड़ा पतला हूँ, मैं थोड़ा मोटा हो जाऊँ, मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा हूँ, मैं थोड़ा पतला हो जाऊँ, मेरे ये दिक्कत है, मेरी हाथ इतना, मेरी इतनी प्रकार की, मुझे जिम जाके ये करना है, लोगों को दिखाना है, तभी जाके लोग मुझे पसंद करेंगे। भाई ये तुम्हारा भ्रांति है। अगर तुम इस बात का एग्जाम्पल ले लो कि अगर कमल कहाँ से फूटता है, आप जानते हो ना, तो इस प्रकार से अगर कहीं से, अगर कहाँ से कमल खिल के आता है किसी पानी से, तो आप सोच सकते हो उसका नीचे क्या क्या है। कभी वो उधर से अगर कमल खिलता है जिसको भगवती को चढ़ाया जाता है, तो आप क्यों अपना भविष्य को ख़राब कर रही है सारी चीज़ में। भाई पहली तो बात है, खुद को सुधारो, पहले अपने मन को सुधारो। मैं जो हूँ वो हूँ, मैं जो परमात्मा ने दिया है मैं खुश हूँ। अगर ये एडिशनल आप कुछ करना चाहते तो आप ये बोल सकते हो कि मेरी जो गुणवत्ता है उसमें थोड़ा सुधार आए और मैं दैनंदिन जीवन में अच्छा काम कर पाऊँ, मेरी जो है, मेरी बोलने की तरीका, मेरी आकर्षण शक्ति, ये धीरे 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 बढ़े। ऐसा नहीं कि 1,25,000 मंत्र क्लीम का अनुष्ठान कर लिया, अभी जो भी था वो भी चला गया, फिर आप रोते नहीं रहा, मुझे आज कमेंट करोगे, कोई कल कोई दूसरे चैनल पर कमेंट करो, लोग आप पर हंसेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लो। ये हर किसी के लिए एक वार्निंग है। बिना सोचे समझे अगर क्लीम का इस प्रकार से अनुष्ठान करते हो तो तुम्हारा यही परिणति होगा। बाद में मैं इसको सोल्यूशन क्या नहीं बता सकता, ये भाई बहुत बार कमेंट किए इसीलिए मैंने उनको इसको बताया, एक दो बार बहुत अलग वीडियो में शायद इन्होंने किया है। और इसीलिए भाई आप इस प्रकार की चीज़ को करो, करने के बाद आपको जो भी फल मिलेगा आप इसको करो, आराम से देखो। ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद आपकी कैसी दुख दूर होती है, और धीरे धीरे खुश रहना सीखो। जो मिला है उसी से शांत रहने के लिए कोशिश करो। आज 50 रुपया है, 50 रुपया है तो ठीक है, 500 ढूंढने की कोशिश ना करो। 500 के चक्कर में वो जो 50 है वो भी गवा दोगे। तुम्हारे पास क्वालिटी है, टैलेंट है, दुनिया तुम्हारा कदर करेगा। देखो ये दुनिया का क्या है, ये दुनिया का कुछ नहीं है। आज अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, दुनिया तुम्हें 1,000 बार नमस्कार करेगा। कल तुम्हारे साथ कोई गलत हो जाएगा या फिर किसी भी प्रकार की तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा, दुनिया तुम्हारे साथ छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारे परमात्मा तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई कहता है किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, शक्ति भाई जब तुम्हारे पास जितना भी इष्ट ऊर्जा है, जितने भी प्रबल ऊर्जा है, वो कोई कुछ भी करे क्या भी करे, तुम मरने के बाद या मरने से पहले वो तुम्हारे पुण्य खाता में सब कुछ रहेगा। तुम्हारे कर्म कितने किए वो अच्छे बुरे सब कुछ रहेगा। इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, बिना सोचे समझे किसी भी मंत्र को उठाया और कुछ भी इस प्रकार का संकल्प ले लिया और जीवन को बर्बाद ना करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है जिसकी प्रधान आप ऐसे। आज मैं आपको वीडियो बना के, इतना व्यस्तता के कारण मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये गलती कोई दूसरा ना करे। वो अभी क्या होगा, अभी ये अंदर अगर अपना चेहरा ठीक से नहीं कर पाए तो इनका अंदर डिप्रेशन आएगी, इनका अंदर हीन भावना आएगा, वो बोलेंगे मैं तो काला हो गया। भाई तुम जो भी हो खुश हो ना, जो भी हो तुमको खुश रहना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तुमने गलती किया है तो परमात्मा ने तुमको दंड दिया है। एक बार आप नारद मुनि की कहानी सुन सकते हो, उनको ज़्यादा सुंदर बनना था, कैसा उनका चेहरा हो गया था। तो भगवान यही कहते हैं कि वॉट एवर यू आर, तुम जो भी हो तुम्हें खुश रहने की आवश्यकता है। मैं एक बात आप सभी को बताता हूँ, इस वीडियो को अगर अभी तक कोई सुन रहा है तो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। देखो मैं हमेशा, आप जानते हैं कि मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाता हूँ 1-1.5 साल से। अभी अगर चलाता तो मैं बहुत कुछ लाखों इनकम कर पाता। देखो मुझे जो मिलता है उसमें मेरी खुशी है। हम अगर यूट्यूब में आते हैं, आप लोग आचार्य मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, हम आते हैं बात करते हैं, हम जब मंदिर में पूजा पाठ करते हैं हमको कोई 1 रुपया देता है उसमें भी खुशी, 10 रुपया देता है उसमें भी खुशी, किसी का गाड़ी पूजा करते हैं 5 रुपया देता है, किसी का गाड़ी पूजा करते हैं 50 रुपया देता है, किसी का गाड़ी पूजा करते हैं 500 रुपया देता है, किसी के पूजा करता है 10 देता है, किसी का पूजा करते हैं 100 देता है, किसी को पूजा करता है बिल्कुल भी नहीं देता है, उसमें भी खुश। हर चीज़ में खुश रहना सीख जाओ, जिंदगी तुम्हारे अनुकूल बन जाएगी। मैंने आज तक मैंने इतने दर्द भरे समय देखे, कुछ भी देखे, लेकिन मैंने भगवान से ये कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे पास तुमने ये क्या वो क्या ऐसा क्या। कुछ समय के लिए फ्रस्ट्रेट था, कुछ समय के लिए प्रॉब्लम था, फिर भी मैंने भगवान को ये कहा शायद ये तुम्हारी कोई लीला हो सकती है। भाई खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो। कोई मेरे पास जब आता है कंसल्टेशन करने के लिए, कुछ लोग उनकी कुंडली देखा, हैंगआउट में उनके साथ बात किया, उनको सब कुछ सपोर्ट किया, मैंने कभी उनसे कुछ नहीं, वो खुद मुझे से बोले कि मेरा पैसा आने के बाद भेजता हूँ पैसा, हो गया 1.5-2 साल। कोई बोलेगा कि आचार्य जी मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो मेल के नीचे एक लाइन लिखा गया होगा सेंट फ्रॉम आईफोन, मतलब वो आईफोन पकड़ सकता है लेकिन एक ब्राह्मण को 1100 रुपया या 2100 रुपया दक्षिणा नहीं दे सकता। यही होती है दुनिया, लेकिन आई एम हैप्पी। अरे वो उसमें
उसका नीचता दिखाई दे रहा है या मेरा दिखाई दे रहा है? वो अगर 1,00,000 फोन पकड़ के किसी को पैसा नहीं दे पा रहा तो उसकी उसकी औकात दिखाई दे रही कि वो क्या है? मैं तो खुश हूँ, इसमें मेरा बड़ापन है ना भाई, मैं उसको फ्री में हेल्प कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग हिम, आई एम हेल्पिंग हर, देर इज नो प्रॉब्लम। तो इस बात की गहराई तक जाने की कोशिश करो। अगर इतना बड़ा नुकसान आप कर चुके हो, इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, आगे ये गलती ना करना। जीवन को शांत रखने की कोशिश करो, जीवन को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो, तभी जाके ठीक होगा। भाई मैंने आज तक भगवान से कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं कहता हूँ माँ से मुझे थोड़ा ज़रूरत है, अगर ठीक है माँ मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो ढाई विधि रखे राम ताही विधि रहिए, क्या कर सकते हैं, किस्मत से आगे तो नहीं बदल सकते। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि भाई मैं मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा सोचने से क्या होगा। नसीब से जो किस्मत है उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी हाथ पैर मारो। ठीक है, जो कर्म होता है, कर्म की इंसान की भविष्य उसकी वर्तमान पे निर्भर करता है। वर्तमान में करने वाले कर्म ही निर्धारित करेगा कि वो भविष्य में वो इंसान कैसा बनेगा। अगर आप अभी कर्म करते हो, किसी का शोषण करते हो, किसी से पैसा लूटते हो, किसी से पैसा ठगते हो, तुम नहीं तो तुम्हारे घरवाले भोगेंगे। 5 साल 10 साल बाद तुम्हारे सब कुछ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, कुछ नहीं रहेगा। कितने कितने बड़े दिग्गज चले गए। हमारे इधर किसी का बहुत ज़्यादा बस था, 10-15-20-100 के आसपास बस था। जो इंसान जब उसकी जब अंतिम समय में कोई उसका साथ नहीं दिया, क्या फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? तो इंसान की सोच में ये चीज़ की आवश्यकता है, मतलब समझने की कोशिश करो, अनायास ही इस प्रकार की प्रयोग ना करो। अगर प्रयोग करोगे तो हर बार मैं समय निकाल के वीडियो नहीं बना सकता किसी एक इंसान के लिए। जनकल्याण की भावना से जो वीडियो जाएगा, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, लेकिन एक बात सोचो, किसी दूसरे को देख के अपना हाथ पैर मार के ये हैंडसम बनना, आकर्षण बनना, किसी लड़की के सामने जाऊँगा तो लड़की आकर्षित होगी, किसी लड़का के सामने जाऊँगा तो लड़का आकर्षित होगा, ये सब मनिच्छाने के क्लीम का जाप करके ये सारे चीज़ करोगे तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें भोगना ही होगा। हर बार महादेव आपको क्षमा नहीं करेंगे, हर बार आपको महादेव क्षमा नहीं करेंगे, और हर बार आचार्य बापू आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता। धन्यवाद, जय माई की।